सो हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन सीरीज। आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स। हमने फंक्शन की बात कर ली पूरी, तो आज बात करते हैं आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स बेसिकली वैल्यू होती है जो हम देते हैं फंक्शन के टाइम पर। कॉल किया जाता है, उसमें आर्गुमेंट्स देने पड़ते हैं। ये आर्गुमेंट्स है, जैसे सी में पढ़ते थे हम। यहाँ चार टाइप के आर्गुमेंट्स हैं। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। पहला है रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स। रिक्वायर्ड और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स भी बोला जाता है इसको। इसका मतलब रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स मतलब जितने हमने कॉलिंग के टाइम पे जितने हमने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं उतना डेफिनेशन में होने चाहिए, ना कि कम होने चाहिए ना कि ज़्यादा होने चाहिए। अगर हमने कम ज़्यादा कर दिया तो वो आर्ग्यूमेंट्स मिसमैच बोल देगा, सीधे एरर बोल देगा, आर्ग्यूमेंट मिसमैच। तो इसलिए हमें इसमें जितने हमने कॉलिंग पे टाइम पर दिए हैं आर्ग्यूमेंट उतने आर्ग्यूमेंट्स हमें डिफाइन टाइम में देना पड़ता है। जैसे लिखा है डिफाइन, डेफ मतलब डिफाइन स्टूडेंट। स्टूडेंट हमने एक फंक्शन नेम लिखा है, नेम रोल नंबर, प्रिंट नेम प्रिंट रोल नंबर, और यहाँ से कॉलिंग के टाइम पर हमने स्टूडेंट नेम दे दिया सूर्या और रोल नंबर दे दिया 20। तो ऐसे ये हमें आंसर में दिखाई देगा। रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट ये होता है। दूसरा है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स होता है, वैल्यूज गेट असाइंड टू आर्ग्यूमेंट्स बाय कीवर्ड व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड। हमारे वैल्यू असाइंड हो जाते हैं कीवर्ड के फॉर्म में, और ये बस जैसे हमने लिखा डेफ डिफाइन टेस्ट नेम रोल नंबर प्रिंट नेम प्रिंट रोल नंबर। तो टेस्ट नेम डैश ए बी जो भी नाम देना चाहते हो रोल नंबर 1। तो ये ऐसे करके इसमें कीवर्ड की फॉर्म में हमें देना पड़ता है। कीवर्ड देखिए, नेम ऐसे कीवर्ड बनाया हमने और उसमें वैल्यू कुछ डाली फंक्शन कॉल के टाइम पर। तो ये होता है कीवर्ड। तीसरा है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होता है, इट विल बी यूज्ड इनसाइड अ फंक्शन इफ वी डू नॉट पास अ वैल्यू टू दैट आर्ग्यूमेंट एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉल। अगर हम कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं तो ये डिफॉल्टली यूज करता है। ड्यू टू दिस डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बिकम ऑप्शनल ड्यूरिंग फंक्शन कॉल। ये ऑप्शनल बन जाता है फंक्शन कॉल के दौरान। जैसे हमने लिखा है डेफ स्टूडेंट रोल नंबर नेम कोर्स आईडी, या आईडी कुछ होगी उसकी, प्रिंट रोल प्रिंट नेम प्रिंट कोर्स प्रिंट आईडी, और यहाँ हमने लिख दिया स्टूडेंट 1 उसका रोल नंबर, ए उसका नेम जो भी नाम होगा, कोर्स बी सी ए डाल दिया, और एक्स वाई जेड इसकी आईडी डाल दी। तो ये अगर हम नहीं भी डालेंगे, ये इंस्टा आईडी नहीं डालेंगे, तो ऐसे डिफॉल्ट मान लेगा, ये अपनी वन से वैल्यू बना देगा इसमें। तो ये तीसरा आ गया डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। चौथा है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। अब वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट क्या होता है? इट पासेस मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन। ये मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, वी यूज इट इफ वी डोंट नो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स नीडेड फॉर फंक्शन इन एडवांस। अगर हमें पता ही नहीं है कि कितने आर्ग्यूमेंट्स आने वाले हैं, तो उसमें हम वेरिएबल लेंथ का यूज किया जाता है। इसमें मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं वो और इसमें हम ये एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं। इसमें एक ही वैल्यू चाहिए होती है, इट विल बी रन एवरी टाइम एंड लास्ट, और एक वैल्यू देने से वो रन करता रहेगा बार बार लास्ट तक, लास्ट में रन करता रहेगा एवरी टाइम, बार बार लास्ट में रन करता रहेगा। डेफ टेस्ट रोल नेम कोर्स और हॉबी डाल दिया चौथा, प्रिंट रोल प्रिंट नेम प्रिंट कोर्स प्रिंट हॉबी, और टेस्ट नाम का जो हमने क्लास बनाई थी उसमें यहाँ लिखा टेस्ट 1 रोल नंबर, ए बी नेम बी सी ए कोर्स, और रीडिंग है राइटिंग है जो सिंगिंग है डांसिंग है जो भी उसकी हॉबी है वो यहाँ डाल सकते हैं। ऐसे ऐसा हमने ऊपर एस्ट्रेस लगा दिया तो ये मल्टीपल वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ से। तो ये थे चार टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं।